हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस एंड इन द सीरीज ऑफ सुपर फाइव टुडे वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम। द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम एंड टुडे अगेन वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर। अब आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूं कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं नंबर सिस्टम। जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सिंपल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस कर ली एंड दैट इज एनफ। आपके सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बिकॉज टिपिकल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप उसको इजिली कर लोगे। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है कि हाँ काफी सारे क्वेश्चन जस्ट कर लिए और आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्लियर तो नहीं कर पाओ। तब जैसे यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि डाटा सफिशियंसी पे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो कैसे मिलेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट की बेस में क्वेश्चन जो मिलते हैं वो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ, तो सभी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक सभी ने चेक करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी सभी देखेंगे और साथ में सॉल्व भी करना और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने आपको आते थे। ओके, 5 माफ के अगर 5 के अंदर से 5 करेक्ट है देन यू विल राइट 5 out of 5। ओके, तो इस तरह से आपने करना। सो लेट अस स्टार्ट। क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 10^(n-1) इज 3798। वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू आपको यहां पे फाइंड आउट कर। ओके, अब बात आ रही कि 10 रेज टू पावर n है, ठीक है, तो अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, भाई हमने फाइंड आउट कर। तो सबसे पहले ये देखो कि n की वैल्यू को हम 1 रख के देखते हैं। सबसे पहले मैं कहती हूं भाई n जो है, n की वैल्यू मैंने कह दिया 1 है, क्या बनेगा आपके पास में 10 रेज टू पावर 1 माइनस 1 दैट मींस कि 9। अगर हम सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो सम कितना बनेगा, दिस इज नंबर एंड अगर हम सम देखें तो सम कितना बन रहा है मेरे पास में 9। ओके, 9 अगर हम कहते हैं कि भी 10 की वैल्यू को रख देते हैं हम तो क्या आएगा 10 रेज टू पावर 2 100 100 माइनस 1 दैट मींस कितना आ गया आपके पास 18 और यू कैन से दिस इज 9 into 2। अगर हम इसको 9 into 2 लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम 9 into 1 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो भी तो आप 9 into 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप कहोगे मैडम 1 2 आप क्यों मेंशन कर रहे हो, ये इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि भाई देखो जब यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है तो यहाँ पे 1 है, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 है। ओके, सेम वे अगर मैं लिखती हूँ n इज इक्वल टू 3, एक बार और चेक कर लेते हैं कितना होगा 1000 माइनस 1 दैट मींस 9 आ गया सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 27 इक्वल टू 9। और हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या बन रहा है आपके पास में 9 into n इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स एंड इन क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट 7 9 8 आ रहा 3 7 8। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करो आ गया 9 4 36 9 2 18 9 वैल्यू क्या आ गया आपके पास 422। हाँ जी 422। There was no need to write down all these steps. This is only for your understanding. अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे माइंड में क्लियर है कि हर बार क्या होता है 9n बनेगा तो आप डायरेक्टली ही इसको 9 से डिवाइड कर देते और आपका आंसर आ जाता। ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक 5 डिजिट नंबर xy 235 इज डिविजिबल बाय 3 such that x plus 5 is less than 5. Correct, x plus 5 की वैल्यू क्या है, less than 5 आ रही है. Where x and y are digits, then possible values of x and y are. Possible values यहाँ पे कह रहे हैं. तो पहले यहाँ पे देखो कि जो नंबर है, एक बेटा सभी ने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन तो डिविजिबिलिटी रूल पे मिलता ही मिलता है, एक रिमाइंडर पे मिलता है, ये तो कंफर्म है। एक जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया, इस तरह का क्वेश्चन भी आता ही आता है हर बार। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, 5 डिजिट नंबर है xy235 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 3 दैट मींस कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, तो अगर मैं यहां पे सम ऑफ डिजिट्स देखूं तो मेरे पास में क्या बन रहा है 3 2 5 5 10
ओके अब अगर हम 3 के मल्टीपल देखते हैं दैट मींस इक्वल टू 12 या तो ये 12 के इक्वल होना चाहिए या फिर ये 15 के इक्वल होना चाहिए या फिर ये इक्वल होना चाहिए ओके अगर हम कहते हैं कि ये 12 के इक्वल है तो क्या बनेगा x plus y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 2 होगी और अगर हम कहते हैं कि ये 15 के इक्वल है तो x plus y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 होगी बट इन द क्वेश्चन गिवन दैट x plus y इज लेस देन 5 है दैट मींस कि ये वाला तो हो नहीं सकता अगर ये लेंगे तो 8 होगा तो ये वाला भी नहीं कंसीडर करोगे तो कंफर्म क्या है x plus y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो जहां जहां पे भी x plus y की वैल्यू 2 है वो आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे भी देखो दो ऑप्शन है ये वाली ठीक है और एक ये वाली इसके अंदर क्या हो रही है x और y की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है यहाँ पे देखो क्या है 5 डिजिट एंड इफ आई टेक द वैल्यू फॉर x 0 इन दैट केस इट विल बिकम 4 डिजिट नंबर दैट मींस वाला तो एलिमिनेट हो गया सर क्या आएगा बी ऑप्शन बी मीन्स कि अपना सॉल्यूशन होने के बाद में भी आपको ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है क्या मुझे ऑप्शन ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्वेश्चन है अभी जो 5th 2020 को पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है थिंग इज व्हाट कि आपके छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने जैसे यहाँ पे है इंटीजर क्या है फ्रैक्शंस क्या होते हैं ठीक है होल नंबर क्या है प्राइम नंबर क्या है ओके अब यहाँ पे देखो क्या कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स आर बिलो क्वेश्चन क्या है इज एक्स इंटीजर क्या एक्स एक इंटीजर है अब देखो पहले वाली स्टेटमेंट क्या है एक्स बाई थ्री इज नॉट एन इंटीजर एक्स बाई थ्री इज नॉट एन इंटीजर अगर इंटीजर नहीं है तो मैं कहती हूँ एक्स की वैल्यू को अगर मैं कंसिडर करती हूँ यहाँ पे 1 ठीक है तो x by 3 क्या हो जाएगा आपके पास में हाँ जी इधर नहीं है फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ओके अब इसी तरह से अगर 2 लेते हैं तो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 3 लेते हैं तो आपके पास में क्या आएगा अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को कंसीडर कर लेती हूँ 3 तो इन दैट केस क्या आ जाएगा आपके पास में 1 ओके 1 इज इंटीजर बट यहाँ पे क्या कह रहा है x by 3 इज नॉन इंटीजर नॉन इंटीजर x के लिए अगर मैं लेती हूँ 1, 2 नॉन इंटीजर अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि जो x है x को हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं यहाँ पे अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू यहाँ पे मैंने कंसीडर कर ली 1/3 अब देखो क्या बनेगा x by 3 की वैल्यू क्या बनेगी 1/3 9 अगेन इन फ्रैक्शन दैट मींस व्हाट कि द वैल्यू फॉर x कैन बी इंटीजर एज वेल एज नॉन इंटीजर फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है आपके पास में और ये इंटीजर में भी आपको वैल्यू मिल दैट मींस कि इससे कंफर्म नहीं हो रहा कि हाँ जी एक्स इंटीजर है या इंटीजर नहीं है फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट अगर हमारी फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है देन वी विल गो फॉर द सेकंड वन अब अगर हम सेकंड को चेक करते हैं जब आप सेकंड को देखते हो तो यहाँ पे देखो 3x इज एन इंटीजर 3x इज एन इंटीजर अगर हम यहाँ पे भाई 3x है अगर x के लिए मैं इंटीजर वैल्यू लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू ले लो क्या आएगा आपके पास में आंसर 3x इंटीजर ही बनेगा ओके दैट मींस कि हाँ जी अगर x इंटीजर है तो इंटीजर मिलेगा मुझे बट अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में लू x की वैल्यू मैं कहती हूँ 1/3 है ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या बन रही है 3x की 1 एंड दैट इज इंटीजर That means again the value of x can be integer or non-integer. तो दोनों से ही हमें आंसर नहीं मिल रहा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे both statement 1 and 2 are not sufficient. The answer भी पहले से भी आंसर नहीं मिल रहा second से भी नहीं मिल रहा okay? तो इस तरह से आपके पास में data sufficiency की भी question आपको exam में मिल सकता है और data sufficiency काफी important है डाटा सफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट है सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी अब नेक्स्ट देखते हैं हाँ जी अब नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट की बेस पे इस बार अगेन आस्क्ड इन 5th जून 2022 का हुआ था पेपर उसमें आया हुआ था
मीन्स की जो ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही कि हाँ जी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे अभी यहाँ पे हमने ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें एक ऑप्शन मिल रही थी, हमने डायरेक्टली सॉल्व किया और एक ऑप्शन में मुझे आंसर मिल गया, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि हाँ ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पे कि ऑप्शन को पुट करके भी आप आंसर कर, बट यहाँ पे क्या है आपके पास में अगेन मल्टीपल में है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में है तो नंबर सिस्टम ही, बट है क्या डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है, अगेन दो स्टेटमेंट है इसके ऊपर बेस्ड, वो आपको आंसर करना है, ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू, नीदर वन और टू इज करेक्ट, ओके, दैट मींस कि ये जो स्टेटमेंट है इसकी आपको फुल डिटेल पता होनी क्या है। देखिए लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ए बी सी तीन डिजिट है नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ओके, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मींस सारे डिफरेंट डिफरेंट है, सेम डिजिट नहीं कंसिडर करनी है आपने। कह रहा सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर्स फॉर्मड बाय ए बी सी विदाउट रिपीटेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं सबसे स्मॉलर नंबर अगर मैं कंसीडर करूं तो सबसे स्मॉलर नंबर क्या बनेगा, वन टू थ्री, और एक्स क्या कहते हैं, एक्स इज सम ऑफ ऑल द पॉसिबल डिजिट्स, एक्स क्या बना है यहाँ पे आपके पास में, सभी का सम कर लेंगे, वन टू थ्री क्या क्या नंबर बन सकते हैं, वन टू थ्री, वन थ्री टू, टू थ्री, वन टू वन थ्री, थ्री वन टू, थ्री टू वन, सिक्स होगा, और x क्या है इन सबके सम के इक्वल है। अब जब आप इनका सम करते हो तो वैल्यू क्या बन रही है, पांच पांच दस और दो बारह, दस और दो बारह और एक तेरह, तो मिनिमम अगर मैं नंबर कंसीडर करके चलती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन रही है, थर्टीन थ्री टू, दैट मीन्स की सम क्या है, फोर डिजिट का नंबर बन रहा है मेरे पास में, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, द फोर डिजिट लिस्ट वैल्यू, फोर डिजिट लिस्ट वैल्यू फॉर एक्स इज 1332, यस हियर यू कैन सी दिस इज 1332, दैट मींस कि फर्स्ट का हमारा करेक्ट है। द थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर एक्स इज 888, जब हमने मिनिमम नंबर को कंसीडर किया है तब हमारा सम क्या बन रहा है, फोर डिजिट का नंबर बन रहा है, दैट मींस कि थ्री डिजिट का तो नंबर बन ही नहीं सकता, तो सम है, सम कांट बी इन थ्री डिजिट्स बिकॉज आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज ले रहे हो, उसने कहा डिस्टिंक्ट है, ऐसा थोड़ी ना कि हम ऐसे ले लेंगे, है ना, ऐसे तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, डिस्टिंक्ट डिजिट्स लेने तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली तो इस तरह से आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर कि आपके पास में जो स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने गिवन स्टेटमेंट पे चेक करना है कि जो मेरे पास में गिवन है उसके ऊपर वो दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, लेट पी बी टू डिजिट नंबर, अब एक नंबर फॉर्मेशन भी सभी ने अच्छे से कर लेनी, नंबर फॉर्मेशन पे से भी हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब क्या कह रहे हैं, लेट पी बी ए टू डिजिट नंबर एंड क्यू बी ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, कहने का भाव यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास में नंबर है ये पी है तो क्यू क्या होगा, अगर मेरे पास में पी ये है तो क्यू क्या होगा, रिवर्स के अंदर आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, हाँ जी लेट पी एंड क्यू बी टू डिजिट नंबर, तो P जो है अगर टू डिजिट है तो हम कंसीडर कर लेते हैं, जो P है दैट इज एक्स वाई, ओके, एंड क्यू क्यू रिवर्स है दैट मींस वाई एक्स, डन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन रही है, हाँ जी इफ P इंटू क्यू इज थ्री फोर थ्री जीरो, टू फोर थ्री जीरो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड क्यू, और क्यों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, पॉइंट क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों नंबर्स को, दोनों तरीके से बताऊंगी डिटेल में भी और इधर भी, सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपने, फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो कैसे बनेगा, यस जीरो कैसे बनेगा, जीरो कैसे बनेगा कि जब दोनों में से एक जो नंबर है That will be equal to 5 and the second number is even number, है ना?
वन इज वन नंबर वन डिजिट जो है हमारे पास में फाइव, और जो सेकंड डिजिट है वो क्या होने चाहिए, नंबर होने ओके तभी आपके पास जीरो बनेगा। दैट मींस कि ये तो कंफर्म हो गया कि एक डिजिट फाइव है। अगर एक डिजिट फाइव है, लेट अस से कि भाई ये फाइव है हमारे पास में, हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास में ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, टू हो सकती है। पहले इसको टू के साथ में चेक करो, x को अगर हम रखते हैं टू, दैट मींस व्हाट, 25 into 52 किसके इक्वल है, 2430 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है। दैट मींस कि नेक्स्ट इवन नंबर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर हम नेक्स्ट इवन नंबर लेते हैं, दैट मींस कि x की जगह पे हम क्या रखते हैं, 4। यहाँ पे भी x की जगह पे हमने क्या रखा, 4। दैट मींस 45 and 54 दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, 24 30। ओके, दैट मींस व्हाट कि यहाँ पे हमारे पास में नंबर मुझे मिल गए, एक नंबर मेरा 45 है और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास में 54 है। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, पी एंड क्यू का। लेट अस से दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में, आंसर क्या आ जाएगा। ओके, यहां तक कोई भी डाउट, इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं नंबर फॉर्मेशन की फॉर्म में इसको लिखती हूँ, तो उस केस के अंदर ये जो नंबर है ये क्या हो गया हमारे पास में, दिस विल बी 10x plus y एंड दिस नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट, 10y plus x। अब ये पॉइंट तो अगेन क्लियर है कि एक जो डिजिट है वो तो 5 होगी ही होगी। एक डिजिट क्या है, एक डिजिट तो मेरी 5 के इक्वल होगी होगी। लेट अस से दिस इज 5। अगर हम कहते हैं कि जो y है, y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो मेरा नंबर क्या बनेगा, हाँ जी, दिस विल बी 10x plus 5 और दूसरा क्या है, यस 50 plus यही नंबर बनेंगे हमारे। देखो मैंने कहा कि जो ये है मेरे पास में वैल्यू, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, 5 कंसीडर कर, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं 5, तो क्या हो गया 10x plus 5 और ये यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में, 10 into 5 50 plus x। क्लियर, और ये जो सम है ये किसके इक्वल कह रहा है, अब यहाँ पे 50 plus x, दैट मींस बट x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगेन या तो x की वैल्यू क्या होगी 2, ओके, या x की वैल्यू क्या होगी 4 या 6। अब यहाँ पे हम अगेन ट्राई करके देखेंगे, तो अगर हम 2 लेते हैं x की वैल्यू को, तो क्या बनेगा, 25 into 52 and that is not equal to 430, okay? अब अगर हम x की y की value को लेते हैं 4, तो क्या बनेगा आपके पास में, 45 into 54 and that is equal to, that means कि हमें दोनों नंबर मिल गए and the difference between these two numbers is equal, answer will be। अब यहाँ पे मैंने आपको 5 questions कराए, all the 5 questions are very very important। अगर इस तरह के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है मेरे 5 out of 5 है, देन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, दैट मींस कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, ओके, यस। अब अगर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, अब यहाँ पे ये मत कहना कि हाँ मैडम नंबर सिस्टम के लिए ये कह रहे कि हाँ जी सेलिंग करें, नो No, that is not my motive. I just want कि आपका number system prepare हो जाए। तो अब उस case के अंदर आप देखो number system पे यहाँ से जब जाते हो, यहाँ पे देखो link है, ये same link मैंने description में provide किया है। काफी students को confusion आ रही थी last class के बाद कि number system को prepare करे तो कैसे करे, जब इतना important topic है कि हम मेरे 25 number तक किसी में ही बन जाएंगे, तो मैं कैसे इसको prepare करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो number system है ये आपको available है, 10 video lectures, ठीक है, 9 web notes and 515 multiple choice questions. Now again you can customize it. अगर आपको लगता है कि हाँ पैसे तो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, 358 is the amount, okay? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने, बिकॉज एग्जाम में तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, तो
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा सिर्फ आप वीडियो लेक्चर्स ले लो, इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। ओके, ये रिमूव हो गया यहाँ से आपके पास में। जैसे आप यहाँ से इसको रिमूव करोगे, देन द प्राइस इज ओनली 176, और 176 में अगर आपके 25 नंबर पक्के हो रहे हैं तो फिर क्या कमी है। बट थिंग इज कि सिर्फ आपने इसको, ये नहीं है कि हाँ एक बार रजिस्टर कर लिया, नंबर सिस्टम आपने ले लिया, आपको उसको प्रिपेयर भी करना, एक एक कंसेप्ट पे भी फोकस करना। तो इस तरह से आपने आप नंबर सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हो। आई कैन ओनली गाइड यू, प्रिपरेशन तो आपने खुद नहीं करनी है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। यस, डाटा सफिशियंसी भी सभी ने अच्छे से कर लेना, नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो बेटा, सारा नंबर्स का ही खेल है, नंबर्स पे आपको कैसे वर्क करना है, सिंगल सिंगल डिजिट पे सारा देखना है, सारे आपके रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, ओके, नंबर फॉर्मेशन, सारा आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेस्ट ऑफ लक।